वादी शीशी कोह के साबिक नाजम और मरूफ समाजी कारकुन हाजी शेर मोहम्मद ने चेयरमैन तहसील दरोश के लिए JUI की टिकट पर कागजात जमा किए और को पार्टी कारकुनों ने जुलूस की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लाए। इसराइल से रिपोर्ट कर रहे हैं गुल हमाद फारूकी। वादी शीशी कोह से ताल्लुक रखने वाले साबिक नाजम हाजी शेर मोहम्मद ने चेयरमैन तहसील दरोश की नशिस्त के लिए कागजात जमा किए। हाजी शेर मोहम्मद वल्द रोशन खान का ताल्लुक गोजर बरादरी से है। वो 1987 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रुकन रहे। जनरल फैज मुशर्रफ ने जब पहली बार लोकल गवर्नमेंट का निजाम मुतालिब कराया तो शेर मोहम्मद उस वक्त यूनियन काउंसिल शीशी कोह के नाजम मुंतखब हुए। इसके बाद जब आखिरी बार निजामत के लिए इंतखाबात हुए तो शेर मोहम्मद अपनी खिदमत और इलाके में अच्छी रख रखाव की वजह से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से बतौर नाजम मुंतखब हुए। शेर मोहम्मद को उस वक्त बहुत बड़ी रकम की पेश की गई मगर उन्होंने इस रकम को ठुकराया और किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार नहीं की, जबकि रजाकाराना तौर पर वो जमीयत उलम इस्लाम फजल रहमान ग्रुप में शामिल होने का ऐलान किया। हाजी शेर मोहम्मद इस वक्त JUI के मजलिस अमूमी चित्राल के रुकन भी हैं। हमारे नुमाइंदे खसूसी से बात करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने कायदे मिल्लत मौलाना फजल रहमान मौलाना अताउर रहमान अताउल हक दरवेश का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उन पर एतमाद करते हुए तहसील दरोश की चेयरमैन के लिए उनको टिकट जारी किया। उन्होंने JUI चित्राल के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा किया।